आज के वीडियो में हम इस कोमोट को तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। तो आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आएगा, जो इस कोमोट को क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें आ गया है क्रेक, तो इसको करेंगे हम रिप्लेस। तो सबसे पहले इस कोमोट को हम उठाने के लिए इस छेनी और हथौड़ी का यूज़ करेंगे। हल्का हल्का से चारों तरफ छेनी से ठोक ठोक के हिला डुला के कोमोट को हम उठाएंगे, ताकि और क्रैक इसमें ना लगे। जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं, कोमोट हमारा उठ गया है। इसके बाद अंदर का जो मसाला है इसको भी छुड़ा लेंगे, तो कोमोट हमारा सही सलामत बाहर निकल गया है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, नया कोमोट को हम फिट करेंगे। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पेस्ट। इसके लिए हम यूज़ करेंगे रेत और सीमेंट का। तो दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा पानी दे देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें ज़्यादा ना गीला होना चाहिए, ज़्यादा ना सूखा होना चाहिए। इसके बाद पेस्ट को हम जहाँ कोमोट बैठाएंगे वहाँ पर पहाड़ बना देंगे, ताकि अंदर अच्छा से कोमोट में फील हो जाए ये सीमेंट का पेस्ट। तो दोस्तों, इसके बाद हम कोमोट को बैठा लेंगे। तो बैठाने के लिए इस होल में हम कोमोट का एक सोर डालेंगे, जहाँ से वेस्ट निकलेगा। उसके बाद कोमोट को हिला डुला लेंगे दोस्तों, ताकि फिलाप अंदर हो जाए और जहाँ वेस्ट है वो बाहर निकल जाए। जो जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं, कोमोट हमारा बैठ गया है दोस्तों। उसके बाद जो वेस्ट है उसको हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद दोस्तों हमारा कोमोट फिट हो गया है। इसके बाद कोमोट को और भी मजबूती के साथ फिट करने के लिए दोस्तों इसका होल में क्लैंप डालेंगे और हथौड़ी के माध्यम से ठोक के टाइट कर लेंगे। इसके बाद सिस्टर्न पाइप को लगा लेंगे दोस्तों, और कोमोट का जो एक सोर अंडर गया है, जहाँ से वेस्ट नीचे निकलेगा, उसमें हम एमसील लगा लेंगे, ताकि गैस बाहर ना निकले। तो जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं दोस्तों, इसके बाद हम कवर लगा लेंगे। कवर लगाने के लिए वही मेथड, स्क्रू को टाइट करना है दोस्तों, नट और स्क्रू को। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला वक्त में हम और भी नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आए। तो दोस्तों, हमारा कोमोट बन के रेडी हो गया है, एकदम फिट हो गया है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।